हेलो एवरीवन, मैं रक्षाबंधन पर लगाने के लिए मेहंदी का एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे आप अपने हाथ पर आसानी से मेहंदी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी तरीका है। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉइन लिए हैं और आप चाहे तो सेलो टेप ले सकते हैं यहाँ पर, और या कोई चीज़ का ढक्कन भी ले सकते हैं। उसके चारों ओर हमें सेम सेम डॉट लगा देने हैं। इस तरीके से आप मेहंदी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार होगी। जिनको रत्ती भर भी मेहंदी लगाना नहीं आता है तो वो इस डिज़ाइन को और इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिलते रहें। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, जो डॉट लगे हैं उसके ऊपर ईयरबड को रखना है और अंदर की तरफ खींचना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से जो भी डॉट लगा है उसके ऊपर मैं अपना ईयरबड रख के और अंदर की तरफ खींच रही हूँ, तो इससे बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन क्रिएट होगी, प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। अभी इस फ्लावर के अंदर जो बीच में स्पेस बचा है तो उस पर हम बड़े बड़े डॉट देंगे। इस तरह से हमें तीन फ्लावर बना के तैयार कर लेने हैं। ऐसे ही इजी डिज़ाइन सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मेहंदी क्राफ्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेहंदी क्राफ्ट पर हर दिन न्यू डिज़ाइन आती रहती है। फिर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली बेबी फिंगर होती है उस पर चेक्स के डिज़ाइन बना देना है। आप चाहो तो जिगजैग वाले डिज़ाइन भी बना सकते हो, जैसे मैंने जिगजैग वाला चेक्स बनाया है उस तरीके की डिज़ाइन भी बना सकते हो, और सिंपल चेक्स भी बना सकते हो जैसे मैं सिंपल चेक्स बनाने वाली हूँ इस फिंगर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में से आपको जो भी डिज़ाइन अच्छे लगे वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से डॉट दे दिए हैं जिससे हमारे डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छे लगे। फिर हमें चार लाइन को फ्लावर से कनेक्ट करके फिंगर तक ले जाने हैं। अभी हमें इसमें डॉट देना है, तो देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ जो डॉट दे रही हूँ वो थोड़े बिग साइज के हैं, ऊपर जाते जाते डॉट छोटे साइज के होते जा रहे हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहंदी क्राफ्ट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।